यहाँ पर पेड़ के ऊपर से एक इंडियन रेड स्नेक का रेस्क्यू हुआ है। लगभग 2-3 मंथ बाद इस रेड स्नेक का रेस्क्यू हुआ है, नहीं तो सिर्फ स्पेक्टिकल कोबरा का ही और पाइथन का ही रेस्क्यू होता था। देख लीजिए दोस्तों, जैसे मेरे पैर को ये बांध रहा है। दोस्तों काफी ये गुसेल भी है, देखिए किस तरह ये अपना आक्रामक रूप लेकर शरीर के ऊपर देखिए कैसे वार कर रहा है। तो दोस्तों ये राइट स्नेक अपने बिहार में लोग धामन कहते हैं, कहीं कहीं घोड़ा पछाड़ कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम पटाइस मुकोसा होता है। इसके पूंछ में जहर होता है, ये सिर्फ अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें जहर नहीं पाया जाता है, सिर्फ अंधविश्वास है। बहुत लोग कहते हैं कि अगर ये पूंछ से मार दे तो शरीर सड़ कर गिरने लगता है। तो देखिए दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ अंधविश्वास है। ये काटता है लेकिन इसे काटने से मौत नहीं होती है। मौत उस अवस्था में होती है जब हम लोग डर जाते हैं तो हार्ट अटैक आता है, और हार्ट अटैक आने के कारण ही मृत्यु हो जाती है। इसमें किसी तरह का जहर नहीं पाया जाता है या विषदंत नहीं पाया जाता है। ये सिर्फ मनुष्य के दिमाग में बैठा हुआ है कि ये पूंछ से मारता है। देख लीजिए इसकी, बहुत लोग कहते हैं इसके पूंछ में कांटा होता है। देखिए आपको पास से दिखाते हैं, इसके पूंछ में किसी तरह के कांटा नहीं पाया जाता है, देख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे बेजुबान अगर आपके घरों के आसपास दिखते हैं तो इन्हें मारे नहीं, इन्हें बचाने में हमारा साथ दे, क्योंकि ये किसानों का मित्र भी होता है। बहुत लोग कहते हैं कि धामन जिस खेत में रहता है उस खेत में धन होता है। तो धन से दोस्तों तात्पर्य यही है कि जहां पर ये रहता है चूहों को मारकर खा जाता है, चूहों को ये निवाला बनाता है, और चूहों से हमारा जो फसल है वो सुरक्षित रहता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि धामन सब जहां पर रहता है वहां पर धन होता है। देख लीजिए दोस्तों कितना ये प्यारा स्नेक है। तो दोस्तों अगर ये इसे जब ये काटता है तो आप एक टीटी का वैक्सीन जरूर ले लें, क्योंकि ये चूहा और मेंढक को खाता है। इसका जो मुख्य भोजन है चूहा और मेंढक है, चूहा और मेंढक के तलाश में ही ये हमारे घरों के आसपास चले जाते हैं। देख लीजिए दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों इसे ले जाएंगे और फिर इसके पुनर्वास यानी जंगल में हम रिलीज कर देंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर करें, और कहाँ कहाँ से आप वीडियो देखते हैं जरूर कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ इन बेजुबानों को बचाते हुए आपसे किसी दूसरे वीडियो मिलते हैं। अगर इसके प्रति कोई सवाल हो तो कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपसे किसी दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।